नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वहां पे जो है एकेडमिक जो इस आपका जो स्कोर होता है एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसकी जो है कितनी कट ऑफ होनी आपकी चाहिए कि इंटरव्यू के लिए जो है आप शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी में या जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में किस प्रकार से जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है शॉर्ट लिस्टिंग आपकी की जाती है। तो अगर आपका एपीआई स्कोर बहुत ही कम है तो क्या आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो इस वीडियो में हम लाइव रिजल्ट देखने वाले हैं। अभी एक राज्य द्वारा जो है यहाँ पर जिसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस था वो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और एपीआई स्कोर के आधार पर रिजल्ट यहाँ पर जारी किया गया है जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका। तो ये रिजल्ट लाइव देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरीज के लिए एपीआई स्कोर पर जो है कितनी कट ऑफ जो है यहाँ पर रही है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर जो है आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये सारी महत्वपूर्ण वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी, गवर्नमेंट प्रोफेसर कैसे बने, किस प्रकार से चयन होता है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर संपूर्ण जानकारी जो है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो चलिए, सो यहाँ पे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज है उनके लिए जो है यहाँ पे जो है एपीआई जो कट ऑफ स्कोर है वो यहाँ पर जो है परिणाम घोषित किया गया। तो एपीआई जो कट ऑफ है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो यहाँ पे 13 अप्रैल 2022 को एपीआई कट ऑफ स्कोर कल यहाँ पर जारी किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हिंदी में जो कट ऑफ है सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ कट ऑफ देखेंगे तो अनरिजर्व जो है उनके लिए 93 काफी हाई कट ऑफ गई है, लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर अगर बात करें जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए केवल 52 जो है कट ऑफ गई है। ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर 52 है रही है, और जो पीएच ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 44, एसटी के लिए 52 रही है, एससी के लिए 47, एससी यह के लिए यहाँ पर 47 जो है यहाँ पर ये कट ऑफ रही है। तो कम से कम जो कट ऑफ है यहाँ 44 गई है, जो अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर 44 कट ऑफ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ आपकी हिंदी की रही है। इसी प्रकार से इंग्लिश में कट ऑफ की बात करें, EWS के लिए 43 रही है, अनरिजर्व के लिए 88 रही है। तो काफी अंतर जो है यहाँ पर आ गया है। तो ओबीसी के लिए 38 रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी कम कट ऑफ जो है आपकी एपीआई स्कोर के आधार पर भी सिलेक्शन के चांसेस आपके रहते हैं। तो काफी सारे कैंडिडेट जो है मुझे कह रहे थे कि सर यहाँ पे तो पीएचडी वाले जो है बाजी मार जाते हैं, या मान के चलो मुझे भी यही लगता था कि जो है यहाँ पर पीएचडी वालों को या उनको एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं तो उनकी कट ऑफ हाई चली जाती है। तो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी है उनकी काफी कम, एसटी के लिए 28 गई है, और ओबीसी जो पीएच है वो यहाँ पे जो है वो 41, एससी के लिए 35, तो यहाँ पे मिनिमम 28 गई है। संस्कृत की बात करें अनरिजर्व के लिए काफी हाई जो है कट ऑफ है 95 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 है, एसटी के लिए 52 है, एंड यहाँ पे जो है एससी के लिए 50 है। इसी प्रकार जियोग्राफी में 93 है, यानी कि अनरिजर्व के लिए जो एपीआई जो स्कोर कट ऑफ है वो काफी हाई जो है यहाँ पर जा रही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 64 है, ओबीसी के लिए 57 है, एंड साथ ही साथ एसटी के लिए 54.63 है, एससी के लिए 64 है। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं 91 काफी हाई है कट ऑफ, ओबीसी के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 है, 41 ओबीसी, एसटी के लिए 38 है, 35 एससी के लिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं मिनिमम 35 यहां रही है। अनरिजर्व के लिए 90 है पॉलिटिकल साइंस में, ओबीसी के लिए 53 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, एसटी के लिए 52 है, एससी के लिए 49 है। इसी प्रकार से आप यहां पर सोशियोलॉजी में 91 यानी कि अनरिजर्व वालों के लिए जो है यहाँ पर काफी हाई कंपटीशन है, एंड जो अनरिजर्व सेक्स सर्विसमैन है 50 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है, ओबीसी के लिए 38 है, ओबीसी के लिए 41 है, एसटी के लिए 52 है, एससी के लिए 43 है। इसी प्रकार से हिस्ट्री में 90 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, ईडब्ल्यूएस 63, एंड ओबीसी के लिए 68 है, एसटी के लिए 68 है, एससी के लिए 53 है। एजुकेशन में 94 है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 90 है, तो यहाँ पे दोनों के लिए जो है काफी हाई है, एससी के लिए 79 है। साइकोलॉजी के लिए 46 है एससी के लिए, एससी के लिए 59 है। फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो है कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
काफी अच्छा जो है मौका था कि जो है कुछ यहाँ पे भी दिया गया था, जैसे कि ओबीसी पीएच ने अप्लाई नहीं किया, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, तो ऐसा भी होता है जहां पर इतनी मारा मारी है जॉब्स के लिए, यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए। इसी प्रकार से फिलोसफी में 91 है रिजर्व की, होम साइंस में 93 है, 93 ईडब्ल्यूएस के 59 है, ओबीसी की 58.83 है, एससी के लिए 55 है, एनएस जो है इस मिलिट्री साइंस के लिए कोई कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं था। इसी प्रकार से म्यूजिक में 95, ओबीसी के लिए 43, तो काफी तगड़ा जो है गैप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अनरिजर्व के लिए स्टेटिक्स में 91 है, जियोलॉजी में 90, 83 एंड 50, काफी ज्यादा 40 अंकों का गैप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार से ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप देख सकते हैं 93 एंड 58 है, एंथ्रोपोलॉजी में 44 है एससी के लिए, फिजिक्स में 96 अनरिजर्व, और ओबीसी के लिए 53, एसटी के लिए 42 एंड एससी के लिए 40। तो आप जो है केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा जो है यहाँ पर गैप जो है नजर आ रहा है रिजर्व कैटेगरी और जो अनरिजर्व है उनके बीच। असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी में जो है आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 96, ओबीसी के लिए 35, ओबीसी 45, एसटी 41, एससी 48। सो बोटनी के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगभग जो है ज्यादा गैप नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार कॉमर्स में आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए तो कहीं पे भी 90 से नीचे नहीं है, तो कितना हाई कंपटीशन है आप यहाँ पर समझ सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 41 है एंड एसटी के लिए 38 है, एससी के लिए 38 है। असिस्टेंट प्रोफेसर बीसीए 91, 59 एंड 60। सो ये सारे सब्जेक्ट है जिनमें जो है कट ऑफ, ये मान के चलो कि लगभग जिनकी कट ऑफ जो है एपीआई, जिनका स्कोर लगभग अगर एससी एसटी की बात करें तो अगर 40 या 40 के नीचे भी है तो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, शॉर्टलिस्ट हो जा रहे हैं। ओबीसी लगभग 50 प्लस माइनस समथिंग लाइक 8 या 10 मार्क्स अगर है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अगर अनरिजर्व की बात करें तो जो है काफी हाई इस मेरिट जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग जो है गई है, एपीआई स्कोर जिनका 90 है, 90 प्लस है या 80 प्लस है, तो उन्हीं को जो है यहाँ पर कॉल जो है आएगी इंटरव्यू के लिए। तो ये हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो है उत्तराखंड द्वारा, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो है परिणाम जो है घोषित किया गया है कैंडिडेट्स का, तो आप जो है अपना रिजल्ट यहाँ पे जो है चेक कर सकते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पे जो है कोशिश ये की है कि आपको दिखाने की, जो सो दैट जो है आपको यहाँ पर जो है आप जो है डिस्करेज ना हो। एंड मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें बताया था कि जिनका शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाती है, जिनका एपीआई स्कोर कम है, तो वो जो है मेरी वीडियो देख सकते हैं कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उस वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर मार्गदर्शन सीरीज है वो देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद एंड थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।